आप इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गए, प्यास से तड़प रहे कि दो दिन हो गए हैं, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, पूरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त तो आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, कैसे करोगे सोचो, थिंक अबाउट इट। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए, और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में दो ऑप्शंस है, एक तरफ है कि यूट्यूब पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक तरफ दर्द है एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके, नो पेन नो गेन। तो हो क्या रहा है, आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है। और इंस्पिरेशन क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है।